इंसान की हमेशा कमी होती है कि जब हम लास्ट स्टेज पे पहुंचने वाले होते हैं तो हम थोड़ा सा हार जाते हैं, रुक जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यू हैव पोटेंशियल, यू हैव रीजन एंड यू हैव कॉन्फिडेंस। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ वजह है और उस वजह की वजह से आप यहाँ तक हैं। तो आगे उस आत्मविश्वास को मेंटेन करना है। अभी हाल फिलहाल में कह रहा था कि एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप पेपर दे रहे थे तो आप जब यूपीएससी कॉपी को चेक करती है तो तीन फेज आपके क्लियर होते हैं, जहाँ जस्टिफाई होता है कि आपने कितना राइट किया, कितना रॉन्ग किया और कितना लेफ्ट किया। इस बात को मैं बहुत जोर दे के आपको बताऊंगा कि राइट, रॉन्ग एंड लेफ्ट का जो क्राइटेरिया है, जो भी करना है राइट करना है वरना नहीं करना है। बिकॉज रॉन्ग करके हम एक ऐसे खोखले आत्मविश्वास में जीते हैं जो कहीं ना कहीं हमें हमेशा खोखला बनाता जाता है और हमें वो कभी वजह नहीं देता कि हम सही दिशा में जाके मेहनत करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, दे पार्टिसिपेट फॉर द एग्जाम, तो एग्जाम उनके लिए एक इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है, बैठा जितना आया किया, जो नहीं आया सर वो भी कर दिया, और एक झूठे संतोष के साथ हम बाहर आ जाते हैं और उसी संतोष के साथ हम सबसे मिलते हैं। जब हमसे कोई पूछता है तो एक झूठ पे झूठा सा झूठ और हम लगाते हैं और उसको भी ये बताने को, नहीं बहुत बढ़िया हुआ है, हमने 100 में 100 कर दिए हैं। कितने कर दिए भी? 100 में 100 कर दिए हैं। और अंदर से कचोट रहा होता है कि सब गलत ही किए हैं, और बट मैनेज तो सर करना पड़ता है। अब ये खोखलापन यहीं पे नहीं रुकता है, ये कंटिन्यू रहेगा। कब तक? जब तक रिजल्ट ना आ जाए। क्या ना आ जाए? कमाल की बात है कि जब इसकी लत लग जाती है तो रिजल्ट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस खोखलेपन में वो जीना हमेशा शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा ये बात बहुत अच्छे से समझनी है आप सबको कि ये खोखलापन नहीं आने देना है। हमें जो आता है सर हमने वही किया, जो मुझे नहीं आता था मैंने वो नहीं किया। इस बात का मुझे गर्व और एहसास दोनों है। गर्व इस बात का है कि मैंने खुद से झूठ नहीं बोला, और एहसास इस बात का है कि आगे से मैं और मेहनत करूंगा और जिन क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाया उनको करने का प्रयास करूंगा। देन ऑनेस्टली यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ समवन, तब जाके ईमानदारी से आप किसी के सामने खड़े हो पाएंगे और जीवन में कहीं कुछ बन पाएंगे। और ये ऑनेस्टी की शुरुआत है। पूरा का पूरा यूपीएससी का जो पेपर है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैं अन्य पैटर्न तो नहीं जानता, बट एक बात हमेशा ऑनेस्ट कहता हूँ कि अटेम्प्ट 80, आप 80 क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट करके आओ और आपके उसमें से 20 गलत हों, इवन 60 सही हैं, बट आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और एक बच्चा जो केवल 40 अटेम्प्ट करके आया है और उसके गलती से 2-3 गलत हुए हैं, उसका सिलेक्शन जरूर सिक्योर होगा। और यही कॉपी चेक करने का यूपीएससी का बेसिक पैटर्न है। और ये करने से खुद के अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा फील आप पाएंगे बेटा, और आपको फिर मेहनत करने की वजह किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ रियलाइजेशन व्हाट यू गेट फ्रॉम योर साइड, जो आपको स्वयं से खुद के लिए मिलेगा बेहतर करने के लिए। तो बिल्कुल एम टाइम आ चुका है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो अस्त्र शस्त्र रख के बैठ जाते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जब हम जंग के मैदान में हों, जीवन की परीक्षा में हों, किसी अपने लक्ष्य के नज़दीक हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप बैठें ना, बल्कि जगें, अपने माँ बाप से ज़्यादा आप इंटरेक्ट करें, अपने गुरुओं से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, उनके दौरान क्लास के दौरान बने रहें, उनसे इंटरेक्ट करें, पूछें। और लाजमी सी बात है कि ईश्वर के अंदर ही उतना आपका बिलीव हो। और बहुत थैंक्सफुल होना चाहिए जिंदगी के, आप जिस दहलीज पे आगे बढ़ रहे हैं, शायद इस सफलता की कड़ी में ये तो जीवन में अहम है कि सर मुझे सफल होना है, बट सफल होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना हमारा काम है। और शायद यूपीएससी के पेपर में रॉन्ग ना करके आप ये प्रूव करते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, जो किया आपने राइट किया। अभी हाल फिलहाल में एक व्यक्ति से मिला, आई वॉज शेयरिंग द स्टोरी, बट आई फील रियली समथिंग डिफरेंट ऑन दैट डे, शायद आपको भी रियलाइज कराऊं उस चीज को। तो उनका एक्चुअली एक जो अंगूठा होता है पैर का, वो काम करना बंद कर दिया। वेंस होती है, नर्वस सिस्टम होता है, कभी कभी क्या होता है कि वो वेंस काम करना बंद कर देती हैं। एक ऐसी डिजीज़ है जो बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकती है, बट ये शुरू किसी न किसी छोटे पार्ट से होती है बॉडी के, कभी हाथ में फिंगर हो गया, कभी पैर का टो हो गया। व्हेन आई इंटरेक्टेड टू हिम एंड ऑब्वियसली मैं उनका हाल जानना चाहा, तो मुझे
जब उनसे मैं मिला और सोचा और देखा चीज़ों को, तो उन्होंने बताया कि जो है ये जो मेरा पैर का अंगूठा है सौरभ जी, ये जो है ऑपरेशन करा के ही ठीक होगा और इसके लिए कम से कम मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और जब तक ये नहीं होगा मैं ये चीज़ नहीं करा पाऊँगा। इवन आई सजेस्टेड हिम टू समथिंग कि शायद किस मदद से वो चीज़ों को कर पाए। आई सपोर्टेड इन द डिफरेंट वे। बट दैट डे आई रियलाइज पर्सनली वन थिंग ग्रेट कि साला ईश्वर ने इतना पूरा शरीर हमको दे रखा है, इतना बड़ा शरीर, ये हाथ, ये दिमाग, ये आँख, ये कान, ये नाक, सब कुछ हम सोच भी नहीं सकते हैं क्या उन्होंने हमको दे रखा है। उसके बावजूद भी जब हम ईश्वर के सामने खड़े होते हैं तो केवल पूछते रहते हैं भगवान आपने हमको क्या दे रखा है। तो दैट इज द बैड थिंग व्हाट वी हैव इन द लाइफ। आपको लाइफ में बेटा किसी से कुछ मिले और किसी से कुछ सीखें, किसी से कुछ पाएं, तो थैंक्स करना, उसके लिए रियलाइजेशन करना और उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहना बहुत ज़रूरी है अगर जीवन में कुछ बेहतर बनना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड गुड लक फॉर द लाइफ एंड टू द ग्रोथ।